रूस की राजधानी मॉस्को में क्रोकस सिटी हॉल पर हुए आतंकी हमले में मरने वाले लोगों की संख्या करीब 93 हो गई है। आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। 140 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। हमला शुक्रवार रात को हुआ, इसकी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। सेना जैसे वर्दी पहने 5 आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, बम भी फेंके और फरार हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, हम मॉस्को में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं, हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में भारत रूस की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ी है। आतंकी संगठन आईएस ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने रूस की राजधानी मॉस्को के बाहरी इलाके के क्रास्नोगोर्स्क शहर में ईसाइयों की एक बड़ी सभा पर हमला किया है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं और घायल भी हुए हैं, और उनके सुरक्षित रूप से उनके ठिकानों पर लौटने से पहले उस जगह पर भारी तबाह हुई और हमला करने के बाद हमारे लड़ाके मौके पर भाग निकले।